हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। यहां पर देख सकते हैं ये एक कंपनी हमारे पास बनी हुई है और इसमें हम पेमेंट रिसीव करेंगे। काहे लिए पेमेंट रिसीव करेंगे? हमको किराया मिल रहा है तो हम किराया रिसीव करेंगे। तो ये बताइए, रिसीव करने की एंट्री जब भी होगी तो किस वाउचर में होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी। हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किराया रिसीव कर रहे हैं, तो एक हमें लेजर क्रिएट करना होता है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एक आधे एंट्री भी की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनेगा ये लेजर। यहां पर आप देख सकते हैं ये रेंट नाम का लेजर बनाया और इसे रखा इनडायरेक्ट इनकम। क्यों इनकम? क्योंकि हम रेंट रिसीव करेंगे तो ये तो हमारी इनकम ही होगी। समझ में आ रही है बात? रेंट जब हम रिसीव करेंगे, भाई हमने रूम भाड़े पर दे रखा है, अब ये अलग की बात है, मोदी जी अब जीएसटी लगा दी है उस पर, तो अब उस पर जीएसटी भी लगेगा। फिलहाल सिंपल एंट्री कैसे करनी है वो बता देता हूं। देखिए यहाँ पर रेंट नाम से बनाया, इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखा हमने। अगर आप ये सर्विस परचेस करेंगे तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप परचेस की एंट्री दिखाते हैं तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। फिलहाल मैं इनडायरेक्ट इनकम में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पैसा रिसीव करने वाला हूँ, इसीलिए इनडायरेक्ट इनकम में डाला। ये हमने कर दिया। सेल्स अकाउंट का लेजर आप बना ही सकते हैं तो फिलहाल सेल्स अकाउंट की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक फातिमा नाम से बनाया, ये हमारी डेटर पार्टी है, ठीक है, आप कोई और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने फातिमा बनाया, देख लीजिए किस तरीके से बनाया है लेजर, तो इस तरीके से कुछ और भी बना सकते हैं आप। लाइक यहाँ पर मैं बना करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से क्रिएट पे चलता हूँ और क्रिएट पे चल करके एक लेजर बनाता हूँ डेटर पार्टी का। लाइक यहाँ पे लिखता हूं मैं बबलू, बबलू डी लिख देता हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि ये डेटर पार्टी है। और इसे किस में डालेंगे? सन्ड्री डेटर ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री डेटर रहेगा। तो यहाँ से सन्ड्री डेटर कर लीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर, भाई डेटर पार्टी ज्यादातर मामलों में रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो इसको मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया इसको, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। सिंपल हमें रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव होगा तो क्या करेंगे? सीधा जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, रेंट नाम से ऑलरेडी मैंने बनाया है तो यहाँ पे क्रेडिट में रेंट को लगा देंगे। ये रेंट लगा दिया, कितना रेंट रिसीव हो रहा है? मान लीजिए 10,000 रुपया रिसीव हो रहा है, ठीक है। जीएसटी की एंट्री कैसे होगी वो आगे बताऊंगा। और यहाँ कैश में हो रहा है, अगर बैंक के थ्रू हो रहा हो तो यहाँ पे बैंक भी कर सकते हैं आप, तो ये कैश कर दीजिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आपको जीएसटी भी लगाना है तो जीएसटी के लिए थोड़ा सा स्लैब अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अभी जीएसटी को नहीं बता रहा, अब इसको ऐसे रखते हैं। तो ये रेंट हो गया और ये रिसीव हो गया, रेंट लीजिए, हो गया काम, ठीक है। कितना रिसीव हुआ रेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहली एंट्री है, दूसरी वाली एंट्री जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये जो है रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट पी करके एंटर करूंगा और आई बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मिलाएगा। लेकिन इससे भी पहले ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कैश कितना दिखा रहा है? 34,000 दिखा रहा है। अगर फिर हमें रेंट रिसीव हो जाए तो ये कैश बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ेगा ना। तो चलिए एक बार फिर रिसीव करते देखते हैं, ये एंट्री मैं गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से फिर वही एंट्री करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया रेंट का लेजर, तो ये लेजर लगा दिया रेंट का, और फिर मान लीजिए 10,000 और रिसीव हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 10,000 रिसीव करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 34 से ये कैश जो है हमारा कितना हो गया? 44,000 हो गया। समझ रहे हैं? जब रिसीव होगा तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये कैश हो गया। अगर बैंक के थ्रू जा रहे हो तो बैंक भी कर सकते हैं, अगर बैंक में पैसा हो तो बैंक का लेजर भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी कैश ही रखते हैं और ये रिसीव करा लिया, तो ये रिसीविंग की एंट्री है। इसी तरीके से जनरल जो कैश की रिसीविंग है, जो किराए की रिसीविंग है, ऐसे जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं। क्लियर? ओके।